और उसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बजट में भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। गृह विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर संबंधित जो जिन पर आज हम लोग इस माननीय सदन ने चर्चा की और जो कार्रवाई उस पर अब तक हुई है उस पर मैं कहने के लिए यहां पर खड़ा हूं। मुख्य रूप से गृह विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16,116.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 7.3% अधिक है। महोदय, पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 17-18 में 107.19 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से डायल 100 सिस्टम हेतु जिसमें सुधार की अत्यंत गुंजाइश है और जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्य बार बार अपने चिंताओं से अवगत कराते रहे हैं, क्योंकि विगत सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसकी मंशा अच्छी नहीं थी, इसलिए यूपी डायल 100 की जो गाड़ियां थी वह बहुत सारी जगह वसूली के एक अड्डे बन चुके थे और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुधारने की बजाय निहित स्वार्थों के लिए उनका दुरुपयोग होने लग गया था और इसलिए उसमें जवाबदेही तय हो इस दिशा डायल 100 की इन गाड़ियों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करके व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि जो कॉल किसी फरियादी या किसी शिकायतकर्ता के द्वारा दी की जाएगी तो उस कॉल के लिए वह केवल डायल 100 की गाड़ी को ही निर्देश जारी करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ ही थाना अध्यक्ष को भी, सर्किल के डिप्टी एसपी को भी और साथ ही साथ उस जनपद के एसपी एसएसपी को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी और वह एक पूरी व्यवस्था के साथ जवाबदेह बना दिया जाएगा, जिसके लिए डायल 100 सिस्टम हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 296.40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1600 जो मोटरसाइकिल खरीदी जानी है जिससे टाइम पीरियड और कम किया जा सके, किसी भी फरियादी और किसी भी शिकायतकर्ता के द्वारा कॉल के जाने के उपरांत कम समय में वहां पर उपस्थिति हो सके, इस दिशा में व्यवस्था की जा रही है। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली हेतु वित्तीय वर्ष 17-18 में 26.43 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सीटी सर्विलांस सिस्टम हेतु 2017-18 में 51 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था, निर्माणाधीन पुलिस भवन हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग में अग्निशमन केंद्रों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 9 सृजित जनपदों में पुलिस और अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 18.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था, सीसीटीएनएस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 17-18 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्रदेश में आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का भी गठन हो सके
उस दृष्टि से प्रदेश के अंदर 34.68 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पर गृह विभाग के इस अनुदान मांगों में बजट के माध्यम से की गई है। महोदय, हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश की सरकार की मंशा साफ है और नियत भी स्पष्ट है, इसलिए सच्चाई सामने ना आ जाए। मुझे कभी कभी एक उक्ति याद आती है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है, और यह स्थिति मुझे लगता है कि उन लोगों को भी अच्छी अच्छी नहीं लग रही है जो इस सरकार की कार्य पद्धति से सकपकासे गए हैं। वे पहले ही अपनी हार मान चुके, यद्यपि जनता उनको पहले ही सबक सिखा चुकी है कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि अब उसमें सुधार की गुंजाइश तो नहीं रही है, और इसलिए उनके द्वारा बार बार उन बातों का उल्लेख किया जाता है। आप, मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य आखिर किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। वे उस हर गलत कार्य का समर्थन करते हैं। अगर कहीं पर बालिकाओं के साथ, बेटियों और बहनों के साथ उनकी सुरक्षा के सामने कोई खतरा है और उसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार एंटी रोमो स्क्वाड का गठन करता है, तो उनको इस पर भी आपत्ति है। प्रदेश में अगर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ववर्ती सरकार जिन आदेशों का पालन नहीं करवा पाई थी, अगर इस नवगठित सरकार ने 24 घंटे के अंदर प्रदेश के अंदर तमाम अवैध बूचड़ खानों को सख्ती के साथ बंद किया, तो इनको उस पर भी आपत्ति थी कि क्यों बंद कर दिया, लेकिन उनकी कुछ भी नहीं चल पाई क्योंकि जनता ने कोई सहयोग नहीं दिया। हम लोगों ने जो भी कहा, चुनाव के पहले जो कहा, चुनाव के बाद भी जो कहा, हम लोग उन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको पूरी शक्ति के साथ जनता के हित में आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश के हित में, लोक हित में, प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं, व्यापारियों, इन सब की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन हमारे इन सहयोगियों को इस पर भी आपत्ति है कि हम कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड में महोदय 22 मार्च से लेकर के 22 जुलाई तक कुल स्थलों में 3,43,345 स्थलों में चेकिंग की कार्रवाई हुई है, और इसमें जिन लोगों को चेक किया गया है, जिस प्रकार के लोग थे, उसमें 11,21,338 लोगों को इस दौरान इसमें चेक किया गया, उनकी गतिविधियों को चेक किया गया, 763 अभियोग पंजीकृत हुए, 1,580 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 4,69,144 लोगों को सचेत करते हुए उनके परिजनों को भी सौंपा गया कि आगे से ये इस प्रकार की गतिविधि न करने पाए, इसके बारे में भी सचेत किया गया। महोदय, हम सब के लिए चिंता का विषय रहा है प्रदेश के अंदर कि राजनीतिक संरक्षण में जो अवैध रूप से जमीनों पर, सरकारी भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर, धर्मस्थलों की भूमि पर कब्जे की जो शिकायतें आती थी, पहले प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता था क्योंकि सत्ता का संरक्षण ऐसे तत्वों को प्राप्त होता था। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया, और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स प्रदेश के अंदर पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है, और उसने पहले चरण में जो भूमि चिन्हित की है, मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राम समाज की भूमि पर 30 जून तक जो अवैध कब्जे थे, इनमें से
17,097.839 हेक्टेयर लैंड यह चिन्हित हुई है। इसमें राज्य धारा 67 राजस्व संहिता में दर्ज कुल वादों की संख्या 14,453 है और अब तक अवैध कब्जे से जो मुक्त कराई गई भूमि है यह है 5,773.765 हेक्टेयर। ये लैंड अब तक अवैध कब्जे से मुक्त भी कराई गई है। वैसे सरकार के आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में पलते फलते थे, लेकिन उनको पता लगा कि भाजपा आ गई तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही जमीन के कब्जे छोड़ने शुरू कर दिए थे। और मुझे लगता है कि 2 महीने के बाद जब ये अभियान चलेगा तो बाकी लोग छोड़ेंगे भी और उसके बाद उस भूमि को खाली कराने में जो खर्चा आएगा इसकी हम रिकवरी भी उन लोगों से करने वाले हैं। इसी प्रकार से शासकीय भूमि जिस पर अवैध कब्जा था 30 जून जो स्थिति है इसमें 5,395.805 हेक्टेयर लैंड अवैध कब्जे में चिन्हित की गई है। इस पर अभी तक हम लोग 1,020.744 हेक्टेयर लैंड अवैध कब्जे से हम लोगों ने अब तक मुक्त करवाई भी है और शेष भूमि भी मुक्त कराने की कार्रवाई आगे चलने जा रही है। महोदय जो चिन्हित भूमाफिया हैं 1,035 ऐसे भूमाफिया हैं जिन पर अब तक 42 पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई है, 17 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और 371 ऐसे हैं जिन्हें अन्य आपराधिक कानून के अंतर्गत उन पे कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इन भूमाफियाओं के कब्जे से तमाम प्रकार की जो भूमि है चाहे वो ग्राम समाज की हो या शासन सरकारी हो इन सबको मुक्त करवाने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। ये लोग कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं और बार बार इस बात को कहते हैं कि कानून की स्थिति खराब हो गई है, खराब हो गई है। एक सरकार जिसने 4 महीने का कार्यकाल पूरा किया है उस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं वे लोग जिन लोगों ने 12-15 वर्षों तक पूरे प्रदेश को एक चरागाह बना दिया था, जिन लोगों ने प्रदेश में की राजनीतिक अपराधीकरण किया, जिन लोगों ने प्रदेश में अपराधियों का राजनीतिकरण किया, जिन लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए प्रदेश के अंदर दंगों की आग में प्रदेश को झोंका है। कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के उन आंकड़ों को आप देखें, अकेले उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्ष के दौरान इस सरकार के आने के पहले 3 वर्ष के दौरान 450 से अधिक दंगे हुए हैं और मैं कह सकता हूं इस सरकार के आने के बाद 4 महीने में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। हत्या में 5.16% की कमी आई है इस सरकार के आने के बाद। दहेज मृत्यु दर 0.24% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति की हत्याओं में 16.67% की कमी आई है और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से जुड़े भी लोगों के ऊपर जो अपराध जो गतिविधि जो उनके खिलाफ अमानवीय अत्याचार होते थे उसमें भी 13.33% की कमी आई है इस सरकार के बनने के बाद। महोदय इस दौरान विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं घटित हुई प्रदेश के अंदर इसमें जहां भी इससे पहले प्रदेश में चाहे वह सपा की रही सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो FIR ही दर्ज नहीं होता था। अपराध के आंकड़ों को छुपा करके ये लोग वाहवाही लूटने का कार्य करते थे। ये सरकार आई हम लोगों ने कहा एक फरियादी के साथ थानों में सही व्यवहार होना चाहिए, शिष्टता के साथ पेश आना चाहिए, दूसरा 100% FIR दर्ज की जानी चाहिए। पहले हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाओं पर भी पूर्ववर्ती सरकारों में मंत्रियों के बयान कितने गैर जिम्मेदाराना और कितने शर्मनाक बयान आया करते थे, दंगों के घोषित अपराधियों को कैसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था,
कि घोषित दंगाइयों को स्टेट प्लेन से लाकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में उनका महिमामंडन होता था। किस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों की संलिप्तता थी, ये जग जाहिर है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि सरकार ने पहले कहा है, अगर चुनाव के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही, तो सबका साथ और सबके विकास का ये नारा सार्थक तब होता हुआ दिखाई देता है जब बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। और उस दिशा में हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, उस दिशा में इस दौरान जो आपराधिक घटनाएं घटित भी हुई, उन आपराधिक घटनाओं को हम लोगों ने पूरी तरह वर्कआउट भी करने का प्रयास किया है। पुलिस ने अच्छा कार्य किया है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, और उस परिणाम के अंतर्गत डकैती, लूट, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त जो अपराधी थे उनके विरुद्ध 87% डकैती में उनको वर्कआउट किया गया, 87.42% जो लूट की घटनाओं को वर्कआउट किया गया, और हत्या जैसे जघन्य मामलों में भी 73.60% कार्रवाई करते हुए इनको वर्कआउट करके लूट या डकैती में जो संपत्तियां उन लोग ले जाए गए थे उन सब की बरामदगी भी इस दौरान प्रदेश के अंदर पुलिस ने किया है। महोदय, यह एक स्थापित तथ्य है और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की जो चतुर्थ रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में भी स्पष्ट रूप से इस बात को उल्लेख किया गया है कि आंकड़ों के माध्यम से हम पुलिस के कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन आंकड़ों को दबा करके हम आम जन की शिकायत को ही थाने में दर्ज न करें, इस प्रकार का पाप पूर्ववर्ती सरकारों में होता रहा और इसके कारण प्रदेश के अंदर जंगल राज की स्थिति पैदा हुई। लेकिन सत्ता संभालते ही इस सरकार ने इस बात को संकल्प लिया कि प्रत्येक फरियादी की FIR दर्ज होगी और फिर दोषी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्पिना भेदभाव की कार्रवाई भी सरकार करेगी, और उस तर्ज पर हम लोग कार्रवाई प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, हम लोगों ने एक व्यवस्था की है आम जन को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। हम लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिकली जो दर्ज करवाने के लिए लास्ट आर्टिकल ऐप और लास्ट आर्टिकल वेब वर्जन को भी हम लोग अधिकाधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं। जन सामान्य अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपनी सूचना को, यानी जो भी उनको सूचना देनी हो उसके माध्यम से भी अपनी सूचना का पंजीकरण वे लोग करा सकते हैं, या किसी भी अन्य सामान किसी सामान के खोने या गुमशुदगी की जानकारी देने में भी इनका उपयोग उसके माध्यम से किया जा सकता है। और मैं पहले भी इस बात को कहा कि घटनाएं प्रदेश के अंदर जो घटित भी हुई, हमारे विपक्ष के मित्रों को आपत्ति किस बात की है, उन्हें आपत्ति इस बात की है कि एक तो पुलिस इन अपराधों में वर्कआउट क्यों कर रही है। आपने कल पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी पढ़ा होगा कि पुलिस जल्दीबाजी में कर दे रही है, यानी उनको उनके लिए सपना है कि पुलिस ऐसे भी कार्रवाई कर सकती है, और यह सपना उनके लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने पुलिस की कार्य पद्धति को बिल्कुल पंगु कर दिया था, पुलिस को पूरी तरह से अपंग बना दिया था, पुलिस और प्रशासन की कार्य पद्धति को इन लोगों ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि एक अच्छी पुलिसिंग हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, पुलिस सामान्य पब्लिक के साथ उनका व्यवहार फ्रेंडली हो, पुलिस का व्यवहार आम जन के प्रति दोस्ताना हो, ये पूर्ववर्ती सरकार नहीं चाहती थी। पुलिस उनके राजनीतिक हथियार के रूप में कैसे कार्य कर सके, जब मनसा ये हो तो उस दूषित मनसा से आप प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते, और पूर्ववर्ती सरकार ने पाप किया था। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान भी इस मामले में आता है कि पुलिस जो वर्कआउट कर रही है वो जल्दीबाजी कर दे रही है।
मुझे आश्चर्य होता है महोदय, अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर दो बड़ी कामयाबियां उत्तर प्रदेश को मिली हैं। एक जेवर की घटना का, जेवर में गैंगरेप की घटना घटित हुई थी। गैंगरेप की घटना के तत्काल बाद आपने पीड़ितों के बयान को भी देखा होगा, उसमें एक बयान यह भी आया था कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी पर भी आरोप लगाया था। मैंने स्वयं अपने माननीय विधायक जेवर सिद्धेंद्र सिंह जी के माध्यम से पीड़ित परिवार से संपर्क किया था, फिर मैंने पीड़ित परिवार को स्वयं भी यहां बुलवाया था और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो हम ये चाहते हैं कि सही अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, ये अपराधी कोई भी हो इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए और सख्ती के साथ ऐसे अपराधियों के साथ निपटा जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मामले में सही बयान दें। आप लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है, हमारी पूरी संवेदना आपके साथ में है। अगर उन बयानों के आधार पर या उस समय किए गए कुछ उसके आधार पर हम लोग करते तो दूसरे दिन ही, क्योंकि नाम जो बोले जा रहे थे उनके आधार पर हम कार्रवाई करते तो सही अपराधी नहीं पकड़े जाते। और महोदय जेवर की घटना अभी पिछले सप्ताह ही हमारी पुलिस ने और एसटीएफ ने उसको वर्कआउट किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में 2 वर्ष के दौरान जेवर में इस प्रकार की 15 घटनाएं घटित हुई हैं और उन 15 घटनाओं में इन्होंने झूठे आंकड़े देकर के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया है। और आज जो घटना पूरी तरह वर्कआउट हुई है, सही अपराधी जेल में गए हैं, उन अपराधियों को पीड़ितों ने भी पहचाना है और आवश्यकता पड़ेगी हम उसमें आगे की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। बहुत सख्त कार्रवाई इस मामले में होगी। जेवर की घटना आपके सामने है। इसी प्रकार से झांसी में 2 व्यापारियों का अपहरण हुआ था। अपहरण की वारदात किस रूप में घटना घटित होती है और फिर उस पर पुलिस, यूपी पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई प्रारंभ की, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं धन्यवाद दूंगा पीड़ित परिवार को और वहां के व्यापारियों को, नागरिकों को, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ पुलिस पर विश्वास करते हुए, एसटीएफ की कार्रवाई पर विश्वास करते हुए धैर्य रखा। हम लोग उन दोनों व्यापारियों को सकुशल उन अपराधियों के चंगुल से, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा चुके हैं और अब उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि प्रदेश के अंदर अपराध कोई भी करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, कानून के दायरे में ला करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। जेवर की घटना ने, झांसी की घटना ने इस बात को साबित कर दिया है और ये कार्रवाई इस दौरान हम लोग, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए साथियों को आपत्ति किस बात की है कि आजमगढ़ की घटना में सही अभियुक्त को क्यों गिरफ्तार कर दिया? आखिर आजमगढ़ में 21 लोग जहरीली शराब पीने से मरे और ये घटनाएं इससे पहले भी घटित हो चुकी थी, क्योंकि वह अपराधी एक राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त करता था और सरेआम अपनी इन गतिविधियों को वहां पर अंजाम देता था। और वह घटना घटित हुई क्योंकि 2009 में भी और 2013 में भी 10 और 40 लोगों की मौत उसी आजमगढ़ जनपद में हुई थी। इस बार प्रभावी कार्रवाई हुई है और प्रभावी कार्रवाई करने पर विपक्ष में बैठे हुए हमारे साथियों को आपत्ति थी कि कार्रवाई क्यों हो रही है, या अगर हम कार्रवाई कर ही दे रहे हैं तो उनका नाम क्यों बता रहे हैं अपराधियों का, यानी उन अपराधियों का नाम नहीं बताया जाना चाहिए, उन अपराधियों का किस राजनीतिक दल से संबंध है यह भी नहीं बताया जाना चाहिए। अभी एक अपराधी अंबेडकर नगर से गिरफ्तार हुआ है, बहुत शातिर अपराधी गिरफ्तार हुआ है, इसको भी यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की है, वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया में था। और अगर मैं उसके राजनीतिक संबंधों का खुलासा करूंगा बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे और चेहरे दिखाने लायक नहीं होंगे समाज के सामने, यानी राजनीतिक संरक्षण में प्रदेश के अंदर अपराध फल फूल रहा है। आजमगढ़ इसका उदाहरण है, सीतापुर की घटना इसका उदाहरण है, अंबेडकर नगर के अंदर घटित पकड़ा गया वह अपराधी इसका उदाहरण है और अन्य तमाम घटनाओं को जिन्हें पुलिस ने वर्कआउट किया है, ये सब घटनाएं इसके उदाहरण हैं कि कैसे इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण में, वहां पर संरक्षण में पाला पोसा गया और फिर ये लोग अपनी गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाते रहे, ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। महोदय इसी प्रकार से अन्य घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर घटनाओं में, चाहे वह
सीतापुर की रही हो, रायबरेली की रही हो, या फिर मथुरा की घटना रही हो, इन सब को सफलतापूर्वक पुलिस ने इन सब का पर्दाफाश किया है। महोदय, इन चार महीनों में पुलिस ने प्रदेश के अंदर तमाम दुर्दांत आतंकवादियों को भी और अपराधियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनामी अपराधी भी थे, इसमें नोएडा में 50,000 का एक इनामी अपराधी, अलीगढ़ में भी 50,000 का एक इनामी अपराधी यूनुस आलम के नाम पर, गाजियाबाद में हैदर खान 50,000 का इनामी अपराधी था, और इसके साथ ही 1,00,000 का इनामी अपराधी सागर उर्फ भीम, जो सीबीआई द्वारा 2015 के बहुत चर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में और जिस पर 5,00,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, उसको भी यूपी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। महोदय, इस दौरान जो उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस ने और एसटीएफ ने यूपी पुलिस के साथ जो संयुक्त कार्रवाई हुई है, इसमें कानपुर में 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, एक मारा भी गया था। बिहार में 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 4 राज्यों की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन के माध्यम से उन 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। अभी 8 जुलाई को कदीर नामक एक आतंकवादी को बिजनौर से गुजरात पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन के साथ यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, और इसी प्रकार से लश्करे तोयबा का जो आतंकी है मुस्लिम खान, ये मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, यह जो लश्करे तोयबा का आतंकी है, यह एक हार्डकोर आतंकी है और पाकिस्तान में 1 साल तक आतंकी प्रशिक्षण भी ले चुका है। इस दौरान आईएसआई यानी पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी से जुड़े हुए 4 अन्य ऐसे गुप्तचरों को जो आईएसआई से जुड़े थे, उनको भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट कार्यालयों में जो धोखाधड़ी की घटनाएं हैं, उनका भंडाफोड़ भी यूपी एसटीएफ ने किया और 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ साथ प्रदेश के अंदर पेट्रोल पंपों में जो चोरी होती थी, 2 वर्षों से चोरी हो रही है, और 2 वर्ष की चोरी में पर लीटर लगभग 6 से 8 रुपए की चपत प्रत्येक ग्राहक, प्रत्येक जो भी उपभोक्ता है उसको लगता था पर लीटर पे, और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, इस पे कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक प्रदेश के अंदर 6,745 कुल पेट्रोल पंप हैं, इनमें से सभी का निरीक्षण किया गया, जिसमें 345 में घड़तोली पाई गई, 194 में टैंपरिंग हुआ यानी चिप उसमें पाई गई है, और 539 ऐसे पेट्रोल पंप थे जिसमें कम पेट्रोल देने की बात सामने आई थी। इसमें 45 पेट्रोल पंप अब तक सील हुए हैं और ये कार्रवाई अभी आगे चल रही है, सघन कार्रवाई इसमें हो रही है। पूरे देश के अंदर यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। मैं माननीय सदन से इस बारे में भी अनुरोध करना चाहूंगा, हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। हम लोगों ने इस बारे में कई बार हम लोग बैठे हैं, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए प्रदेश के सभी मंत्रालयों के साथ भी हम बैठे हैं, डीजी ट्रैफिक के साथ भी हम लोगों ने बैठ करके विस्तृत वार्ता की है, बैठक की है, और मुझे लगता है कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सड़क दुर्घटना में 10, 15, 20, 25 लोगों की मौत के समाचार ना आते हों।
छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान देना शुरू करें, और मुझे लगता है केवल सरकार के भरोसे ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि माननीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में थोड़ा प्रयास अपने स्तर पर प्रारंभ करें, थोड़ी कार्रवाई प्रारंभ करवा दें और उन ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो तो हम बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। और इस मामले में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों से भी कहा है और साथ साथ जो ट्रैफिक के हमारे यूपी के एडीजी हैं उनसे भी इस बारे में स्पष्ट कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित करें एक बाइक पे चलने वाले कोई भी जो भी हो बाइक सवारों से इस बात को आग्रह किया जाए, इस बारे में उनके लिए बाध्यकारी बनाया जाए कि हेलमेट पहन करके ही चलें, बिना हेलमेट के न चलें। जब बाइक पे बैठे हो या किसी पहले रेलवे ट्रैक पार कर रहे हो तो ईयरफोन कान पे न लगाएं। आप देखते होंगे अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण क्या, वे पता लगा रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं और कान में ईयरफोन है और उसके बाद वो ट्रेन की चपेट में आते हैं, या बाइक से चल रहे हैं कान पे ईयरफोन है, पीछे कौन पीछे से हॉर्न बजा रहा है इसकी उनको सुनाई नहीं देता है, उनको तो जो वो ईयरफोन में सुन रहे हैं उनको वही सुनाई देता है और उसका परिणाम होता है कि बहुत बार झगड़ा होता है, विवाद होता है और फिर बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, या पीछे वाला वाहन उन पे ठोकर मार देता है, वे लोग उससे सचेत नहीं हो पाते हैं। तो एक आग्रह होगा, एक जन जागरण अगर हम लोग नहीं करेंगे, वे नौजवान हैं उनको हम लोग नहीं बताएंगे कौन बताएगा। हमारी शिक्षा पद्धति की विसंगति है कि हमने पाठ्यक्रम से इन सब सामग्रियों को हटा दिया कि ट्रैफिक के जो ट्रैफिक सेंस होना चाहिए लोगों के बीच में सामने एक सिविक सेंस होना चाहिए, ये सब चीजें उनके सामान्य उसका हिस्सा नहीं रहा। और इसीलिए आप देखते होंगे बहुत बार कैसे लोग आप चल रहे हैं, आप अपने साइड चल रहे हैं लेकिन आप गाड़ी चल आपकी चल रही है, पता लगा किसी में कोई बीच में आकर के जबरदस्ती सड़क काट दिया। अगर आपका ड्राइवर या आप स्वयं सचेत न हो दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद माननीय मंत्री या माननीय विधायक अपराधी हो जाएंगे कि अरे साहब देखिए ये लोग किसी को भी ठोकर मार के चल रहे हैं। लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह होगा कि दोपहिया वाहन में चलने वाले प्रत्येक जो भी उसमें चलने वाला जो सवार है उसको इस बारे में कहा जाए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और वाहन चलाते समय जब घर में बैठे तब वो ईयरफोन भले ही सुन लें लेकिन बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय ईयरफोन का इस्तेमाल न करें, इसके बारे में एक व्यवस्था अनिवार्य कर की जानी चाहिए। वाहनों के हमारे फोर व्हीलर्स हैं उसमें दो चीजें अक्सर देखने को मिलती है और मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात को कहूंगा कि एक तो वाहनों से हूटर हम लोग भी उतारें और लोगों से भी उतरवाएं, बोलें पुलिस को कहें कि भाई देखो सभी लोगों से आग्रह करके इसको उतरवाने की व्यवस्था करें, काली फिल्म उतारें वाहनों से, काली फिल्म को भी उतारने की कार्रवाई हो, और जो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हैं लोग इन लोगों पर भी से लगाम लगाई जाने की आवश्यकता है। स्टंट करते हुए स्वयं तो मरे दूसरों को ही मारते हैं, इसको भी रोके जाने की आवश्यकता है और इस पर एक सघन अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर चलाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था प्रारंभ की है जन समस्याओं के निस्तारण के लिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक पोर्टल इसमें कार्य कर ही रहा है लेकिन साथ साथ एक व्यवस्था और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्लॉक दिवस, थाना दिवस और तहसील दिवस के माध्यम से जन समस्याओं के निस्तारण को एक समय सीमा के अंदर समाधान करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हो। अगर हमें विकास की योजनाओं को देखना है या आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे छोटी इकाई ब्लॉक हो सकती है जिसके माध्यम से इसको मॉनिटरिंग की जा सकती है और ब्लॉक दिवस को एक प्रभावी कार्य रूप प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। थाना दिवस के अंदर भी इस बात का प्रयास हो रहा है कि थाना दिवस के अंदर उस थाने से जुड़ी हुई आपराधिक हो या फिर जो भी राजस्व से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान एक साथ बैठ करके वहां पर समाधान हो जिससे थाना दिवस के दिन थाना अध्यक्ष के साथ साथ उस थाने से जुड़े हुए सभी लेखपाल उपस्थित हों और उन समस्याओं का समाधान करें। उस दिन नहीं हो सकता, समय लें एक दिन दो दिन तीन दिन लेकिन एक समय सीमा के अंदर ही इन समस्याओं का समाधान हो और तहसील दिवस के अंदर तहसील दिवस को संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में
हम लोग मनाएं और तहसील दिवस के दिन जनता से जुड़ी भी उन हर समस्याओं का समाधान वहां होता हुआ दिखाई देना चाहिए, जिसके लिए जनता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, ये चीजें ना देखने को मिले, इसको एक पूरा प्रयास और प्रभावी बनाने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है और बहुत शीघ्र इसके परिणाम भी सामने आएंगे। महोदय, हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है, वह पुलिस बल में जनशक्ति का अभाव। लगभग 1.5 लाख पद पुलिस के खाली हैं प्रदेश के अंदर, और ये 1.5 लाख जो पद खाली हैं, ये इसलिए खाली हैं क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की नियत साफ नहीं थी। उन्होंने प्रत्येक भर्ती को विवादित बना दिया था, प्रत्येक नियुक्ति की प्रक्रिया को इतना विवादित बना दिया था कि न्यायालय को, माननीय न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पर माननीय उच्चतम न्यायालय को रोक लगानी पड़ी थी। हम लोग अपने नए उसके साथ उनके सामने गए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को नए सिरे से प्रारंभ करने, उसके नई नियमावली तैयार करने के लिए कहा है और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें 3307 सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर की महिला, 600 महिला और 2400 पुरुष अभ्यर्थियों से 3000 तो उपनिरीक्षक, 210 प्लाटून कमांडर पीएसी और 97 फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर जो सम्मिलित हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हम लोगों का प्रयास है कि आगामी 3 वर्ष के दौरान जो पुलिस कांस्टेबल के जो पद खाली पड़े हुए हैं प्रदेश के अंदर, हम इनको भी भरें, और दिशा में इस वर्ष हम लोग लगभग 30,000 पुलिस कांस्टेबल की करने जा रहे हैं। इस संख्या को आने वाले वर्ष में हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है और इस पर हम लोग पूरी उसके साथ ये सरकार कार्य करने जा रही है। महोदय, यूपी 100 जिस जो एक विवादास्पद सेवा बन चुकी थी, जिसको पिछली सरकार के समय में यह कहा जाता था कि सरकार ने अपनी वसूली का जरिया बनाया है इसको, तो उस पर उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि एक नया सॉफ्टवेयर हम लोग उसके लिए ला रहे हैं और उसके माध्यम से उस पर प्रभावी नियंत्रण हो, अवैध वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह लगाम लगा करके जो भी ऐसे दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ यूपी 100 सेवा को हम 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ भी उसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ यूपी 100 को हम लोग अग्निशमन सेवा के साथ भी उसका एकीकरण कर रहे हैं। अगर किसी को कहीं पर फायर ब्रिगेड के लिए भी कोई सोचनी हो, अगर यूपी 100 के उस पर ही डायल करेंगे तो यूपी 100 के उससे भी जानकारी वहां पर उस जिले और कौन सा वह क्षेत्र है जहां पर आपको फायर टेंडर की आवश्यकता है, वहां पर भी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है कि प्रत्येक जनपद में एक मॉडल थाना का निर्माण हो। मुझे लगता है कि वैसे मान्य सदस्यों में से ज्यादातर लोग थाना अपने यहां स्वीकार नहीं करते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो लोग कहेंगे कि थाने का निर्माण हो, लेकिन हम लोग करने जा रहे हैं। एक खुशी है, बहुत सारे हमारे सदस्य, लेकिन आप तो सभी सत्ता पक्ष के हैं इसलिए स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष के लोग तो थाना स्वीकार नहीं करते, उनको किसी भी अच्छे कार्य का की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग हर जनपद में देने जा रहे हैं और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इसके अलावा 75 जनपदों में क्राइम ब्रांच की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, वाहन उपकरण और संसाधन आदि की व्यवस्था, इसमें हम लोग कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की कार्य इस साल हम लोग करने जा रहे हैं, और जो 8 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए जो आवश्यक धनराशि होगी उसके लिए भी हम लोग धनराशि इस समय प्रदान कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए भी श्रेणी ए व बी के 350 आवासों के निर्माण की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं, और इस वर्ष 10 तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केंद्र के निर्माण का कार्य भी इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने धन का प्रावधान किया है, जिससे फायर टेंडर और उसकी बिल्डिंग, उसके लिए वाहन, इन सब की कार्रवाई भी हम लोग उसमें करने जा रहे हैं।
महोदय, अलीगढ़ परिक्षेत्र में पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास का निर्माण, आगरा जोन में अपर पुलिस महानिदेशक जोन के प्रशासनिक भवन का निर्माण और 4-9 सृजित जनपदों में पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को भी हम लोग इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने के का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की आतंकी घटना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एटीएस के सुदृढ़ीकरण के लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। साथ ही एसटीएफ जो प्रदेश के अंदर अपराधों को प्रभावी नियंत्रण करने में कार्य कर रही है, एसटीएफ के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य यहां पर प्रारंभ हो रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। 3 जनपदों में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण की कार्रवाई, जिसमें निरीक्षक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की विवेचना आदि की व्यवस्था के लिए भी एक अस्थायी निवास की व्यवस्था के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए पुलिस रिकॉर्ड का हम लोग डिजिटलीकरण करने जा रहे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में कुल 1525 थाने हैं, 75 जनपद हैं, 26 हमारे पास जोन और परिक्षेत्र हैं, 6 पुलिस अधीक्षक रेलवे और रेलवे मुख्यालय हैं, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय तथा CCTNS डाटा सेंटर आदि की जो पारस्परिक डाटा कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया, जिससे प्रदेश के अंदर किसी भी कोने में घटित होने वाली किसी भी घटना के लिए हम लोग पूरी जानकारी सबके पास एक साथ पहुंच सके। और इस दिशा में यह हम लोग एक साथ कार्य करने जा रहे हैं। महोदय, इनके साथ ही हम लोग पुलिस के आधुनिकीकरण, उन्हें आधुनिक शस्त्रों, आयुधों और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जनशक्ति की कमी को भी पूरा किया जा सके, इस वर्ष सरकार इस पर पूरी प्रभावी तरीके से कार्य प्रारंभ करने जा रही है। महोदय, इलाहाबाद में 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन भी है और अर्धकुंभ के आयोजन की दिशा भी प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी अपनी प्रारंभ कर दी है। स्वाभाविक रूप से करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उस दिशा से हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया है उसमें अन्य जो वहां पे निर्माण के कार्य होने हैं, आधारभूत ढांचे के विकास के साथ साथ जन सुविधाओं के विकास और संगम के में जो वहां पर जो लोग स्नान करते हैं, श्रद्धालु जन स्नान करते हैं, उनको वहां पर उस प्रकार का वातावरण दे सकें, इसके लिए जहां कार्य होगा वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने